बानी 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 खूटा ठोक के बानी जा। अरे भैया हम हिरासत से आए हैं जी, गरीब टेम्पो चालक रिक्शा वाला ठेला वाला पान वाला ये लोग का चलेगा नहीं, उसको अपने बाप चचा मामा पे विश्वास है और मुझे आप जैसी जनता पे विश्वास है, इसलिए वो बाप चचा मामा के ताकत पे उड़ रहे हैं। बाबर खान भी खड़े हैं आपका वोट काटने के लिए। ये कौन है, ये कौन है? अब हम क्या जाने, आप ना बताइए। हम थोड़ी जानते हैं, आप ही बताइए कौन है, क्या उनका इतिहास है, कौन है ये? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। हमारे साथ स्टार हैं, अब की आप बेकार हो जाएंगे, ऐसा चचा कहे हमको। कौन चचा? सरयू चचा पूरा। देखिए अभी लोग सब कोई मौसा को आप चुन रहे हैं और दू गो मामा आए हैं बाहर स्टेट से और चचा मेरे हैं, अभी बाद में मत पूछिएगा कौन चचा। अरे जब दो बच्चा लड़ता है ना, एक बच्चा जब रोंदू होता है मारू खा के घर भागता है रोते रोते, तो जाके अपने बाप चचा मामा को बुला के ले आता है, उसको अपने बाप चचा मामा पे विश्वास है और मुझे आप जैसी जनता पे विश्वास है, इसलिए वो बाप चचा मामा के ताकत पे उड़ रहे हैं, हम आपकी ताकत में उड़ रहे हैं, इसलिए जनता की ताकत पे उड़ रहे हैं, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। नीतीश कुमार जब आपके क्षेत्र में जाएंगे और ऐसे ऐसे करके कहेंगे कि हम बानी नू, तब आपको लोग क्या याद करेगा और किस रूप में याद करेगा? तो मैं कहूँगा कि ये तो मैं कहता था बानी 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 खूटा ठोक के बानी जा, तो नीतीश जी क्या बोलेंगे? अरे भाई देखिए, उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि डुल्लू महतो जी जब भाजपा के उम्मीदवार बनके लोकसभा धनबाद गए तो इन्होंने पूरी चुनौती दी, चेतावनी दी, उनको हराने का हर संभव प्रयास किया, भाजपा को नष्ट नाबूद करने के लिए पूरा प्राण त्याग दिया था, जो था सब लगा दिया, लेकिन असफल हो गए। ये फिर चले गए चतरा, काली बाबू तो सीधा शरीफ आदमी है, कालीचरण सिंह, उनको भी हराने चतरा चले गए भाजपा प्रत्याशी को। फिर रघुवर जी की पुराना इतिहास का आप स्टूडेंट है, ये ना क्यों उघाड़ते हैं पुराना चीज। ठीक कहा आरजेडी कि कौन गया था, कांग्रेस वाला है, एगो हम लोग थे नहीं गए थे, इस छोड़िए। कहा जा रहा है कि बाबू साहब लोग 80 साल में लेके अंग्रेज को भगा दिया, तो चचा तो 80 साल से कम है, आपको बहुत गर्दा पटकनिया देंगे। नहीं देखिए, हम लोग सुने थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, लेकिन झारखंड में झानों और फूलों की कहानी उनसे भी एक कदम आगे की थी। ठीक है, इसलिए ये लोग का चलेगा नहीं। बाबर खान भी खड़े हैं आपका वोट काटने के लिए। ये कौन है, ये कौन है? अब हम क्या जाने, आप ना बताइए। हम थोड़ी जानते हैं, आप ही बताइए कौन है, क्या उनका इतिहास है, कौन है ये? पता नहीं, वो कह रहे कि हम संघर्ष से पैदा हुए हैं नेता। तो हम लोग क्या विरासत से आए हैं? अरे भैया हम हिरासत से आए हैं जी, गरीब टेम्पो चालक रिक्शा वाला ठेला वाला पान वाला और शोषित पीड़ित लांछित वांछित पिछड़ों की आवाज बुलंद करके यहाँ तक आए। झूठ बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप बाबूजी का एथी से पैसा चोरा के नेतागिरी किए हैं मिठाई दुकान से। अरे तो भैया यही तो बोल रहे हैं कि चाय और सिंगाड़ा बेच के ना आए हैं जी। हाँ। तो चाय सिंगाड़ा बेच के आने वाला आदमी गरीबी गुरबत देख के आया है, इसलिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस होगा ना वो दूसरे नेताओं पर नहीं होगा। एक बात बताइए, अभी अमर बावरी जी को जान रहे हैं, आपका खास मित्र हैं, बोल रहे भंटी बबली का जोड़ी को जितना ठगना था ठग लिया, बन्ना जी किसको स्टार प्रचारक के तौर पे आप बुलाइएगा वहाँ अपने पक्ष में वोट करने के लिए? अरे भैया वो लोग को ना चिंता होता है, जो डरपोक होता है वो लोग अपने बाप को बुलाते हैं, हमको तो जनता पे विश्वास है, तो जनता हमारे लिए आप है, आपको हम बुलाएंगे। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in